नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे रेलवे के एक नए नियम में हुए बदलाव को लेकर। कोरोना की तीसरी लहर के मामलों में लगातार कमी आ रही है, ऐसे में अब एक बार फिर से ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा रहा है। ऐसे में एक तरफ जहां ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत की बात कही जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एसी कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए भी अच्छी खबर सामने आई है। बता दें कि एसी कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों को अब कंबल और बेड शीट लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अब जब भी एसी कोच में सफ़र करेंगे तो आपको कंबल और बेड शीट को अलग से ढोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बता दें कि रेलवे ने इसकी शुरुआत कोरोना काल के दौरान की थी, जिसमें उन्होंने यात्रियों को कंबल देने से साफ तौर पर मना कर दिया था। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना काल के पहले ही इस व्यवस्था को रेलवे ने एक बार फिर से जो है लागू कर दी। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कोरोना काल के पहले की इस व्यवस्था को रेलवे ने एक बार फिर से लागू करने का आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में अब एसी कोच में सफ़र करने वाले यात्रियों को सफ़र को लेकर कंबल, बेडशीट, तकिया और हाथ पोछने के लिए तौलिया दिया जाएगा। बता दें कि रेलवे की तरफ से जारी आदेश के बाद से रेल अधिकारी एक्टिव हो गए हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि को अब सर्विस उपलब्ध करवाने के लिए इसकी तैयारियों में जुट गए हैं। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि शुरुआत में कुछ ही ट्रेनों में बेड रोल की सुविधा स्टार्ट की जाएगी, फिर एक एक कर सभी ट्रेनों में इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। इससे पहले डिस्पोजेबल बेड रोल दिया जाता था। बता दें कि इस खास सर्विस के तहत यात्रियों को ₹150 डिस्पोजेबल बेड रोल के लिए लिया भी जाता था, उनसे पैसे के रूप में जो है ये लिया जाता था। डिस्पोजेबल बेड रोल के लिए जो है उनसे ₹150 वसूले जाते थे, लेकिन बाद में इसे भी बंद कर दिया गया। इसके बाद यह मांग उठने लगा कि एसी कोच में सफ़र में एक बार फिर से बेड रोल की जो है शुरुआत की जाए। अब पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। ऐसे में अब यात्रियों को अतिरिक्त बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। बता दें कि साल 2020 में बेड रोल की सुविधा को बंद करने को आदेश जो है वह जारी किया गया था। देश में कोरोना के मामलों में ज़बरदस्त तेज़ी के बाद रेलवे ने यह फैसला लिया था। इसके बाद बीच में यानी कि साल 2021 में कुछ छूट के साथ इसे शुरू करने के कही गई थी, जिसमें कि वैसे इसमें जो है डिस्पोजेबल बेडरोल को जो है इसमें शामिल किया गया था, जो कि छूट के रूप में दिया गया था, लेकिन उसे भी जो है एक समय के बाद बंद कर दिया गया। इस कोरोना काल और ठंड के कारण लगातार एक तरह से कह लें कि 100 ऐसी ट्रेनें थी जिसको कि बंद किया गया था, जिसे अब एक बार फिर से पटरी पर लाया गया है, जिससे कि रेल यात्रियों को ज़्यादा परेशानी का सामना न करना पड़े। हालांकि रेलवे ने अब पैसेंजर ट्रेनों की परिचालन शुरू कर दिया है, साथ ही साथ कई ट्रेनों का टाइम टेबल में भी बदलाव किया गया है। इसको लेकर भी पुराने तय समय पर जो है अब इन ट्रेनों को संचालित किया जा रहा है। इन सब के बीच में अब फिर से जनरल कोच में रिजर्वेशन की सुविधा को भी जो है ख़त्म कर दिया गया है। ऐसे में अब आप जनरल टिकट लेकर यात्रा कर सकते हैं। इससे पहले यानी कि कोरोना काल के दौरान जनरल कोच में सफ़र करने के लिए आपको रिजर्वेशन करवाने की ज़रूरत थी तभी आप जो है जनरल कोच में सफ़र कर सकते थे, लेकिन अब जब कोरोना के मामलों में कमी आई है तो रेलवे ने अब अपने पुराने सभी नियमों को एक बार फिर से पुनः लागू शुरू कर दिया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि अगर आप एक बार फिर से अगर आप ट्रेनों में सफ़र करना चाहते हैं कोरोना काल के बाद, तो आपको जो है रेलों में कई जो है पुरानी व्यवस्थाएं एक बार फिर से देखने को मिलेगी, जिसमें कि आप जनरल कोच में आराम से सफ़र कर सकते हैं बिना रिजर्वेशन के, यानी कि जनरल टिकट के साथ सफ़र कर सकते हैं। दूसरा कि आप एसी कोच में जो है आपको कंबल तकिया जो है अब फिर से मिलेगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।